एवरीवन, आज हम लोग एक नए प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे लीट कोड के। लीट कोड का प्रॉब्लम नंबर है 3132। प्रॉब्लम का नाम है स्टैम्पिंग द ग्रिड। इसमें क्या है कि हमें एक मैट्रिक्स, 2D मैट्रिक्स दी हुई है और 2D मैट्रिक्स में 0 और 1 है, ठीक है। जहां जहां 1 है वहां पे मान लीजिए मैंने क्रॉस कर रखा है, और जो जो ब्लैंक है उसको मान लीजिए 0 है, ठीक है। और हमें एक स्टाम्प दिया हुआ है जिसकी विड्थ और हाइट दी हुई है। स्टाम्प को आप ऐसा समझ सकते हैं कि एक मेरे पास पेपर है, ठीक है। तो जितने भी जहां जहां जीरो है, जो भी सेल मेरा ब्लैंक है, ठीक है, मुझे उस पेपर की हेल्प से उसको कवर कर देना है, ठीक है। हमें अपना स्टाम्प, जो भी मेरे पास पेपर है, उसको हमें मोड़ना वगैरह नहीं है। बस हमें यह है कि जितने भी जीरो वाले सेल है उसको कवर कर देना है। बस ये ध्यान देना है कि जहां पे भी क्रॉस है वो उसको मुझे कवर नहीं करना है, ठीक है। और एक दूसरा, जैसे मैंने कोई स्टाम्प चिपका दिया, ठीक है, नीचे पता चला कि मेरे को कवर करना है, तो स्टाम्प मेरा दूसरे स्टाम्प पे ओवरलैप कर रहा है, तो ये केस हो सकती है, ठीक है। चलिए एग्जांपल की तरफ समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक मैट्रिक्स दी हुई है 3x3 की, और मेरे पास जो पेपर की साइज है 2x2 है, ठीक है। अगर मेरे को ये सारे मान लीजिए ब्लैंक है, ठीक है, इन सारे ब्लैंक को मेरे को कवर करना है, ठीक है। अगर मेरे को कवर करना हो तो ठीक है, अब मैं 2x2 का मैं इस पे लाके पेपर ऐसे रख दूंगा, ठीक है, तो ये इतना कवर हो जाएगा सेल, ठीक। लेकिन ये फिर भी ये सेल बचे होंगे ये, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, 2x2 का एक सेल फिर से पेपर ले आऊंगा और इसको कवर करूंगा, तो इस बार ये ऐसे कवर हो जाएगा, ठीक, इसको मैं कवर कर दिया। तो ये वाला क्या हुआ कि जो मेरा बचा हुआ सेल था उसको मैंने कवर कर दिया, ये इसके साथ ओवरलैप हो गया, तो ओवरलैपिंग में कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो मेरा ये कवर हो गया, ठीक। अब मेरे को नीचे के 3 कवर करने हैं, ठीक है, तो मैं एक और पेपर ले आऊंगा जो मैं इस पे ऐसे रख दूंगा, तो 2 वाला ओवरलैप हो जाएगा और 2 मेरा कवर हो जाएगा, ठीक। सिमिलरली मैं एक और लाके ऐसे रख दूंगा, ठीक है। तो ये हमें बस यही बताना है कि जो भी सेल है, जो ब्लैंक है, उसको मैं पेपर से कवर कर पाऊंगा कि नहीं, कवर कर पाता हूं तो उसको मैं रिकॉर्ड रिटर्न कर देना है 2, नहीं तो मेरे को रिटर्न कर देना है फॉल्स। चलिए अब इस वाले प्रॉब्लम पे आते हैं। इस आई थिंक प्रॉब्लम क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जितने भी ब्लैंक सेल है उसको मेरे को कवर करना है। तो हमारा क्या अप्रोच होगा कि मैं करंट सेल पे रहूंगा, ठीक है। मान लीजिए मैं इस वाले सेल पे हूं, ठीक है, यहां से मुझे मैक्सिमम विड्थ का मेरे को रेक्टेंगल बनाना है, कि मतलब कितना बड़ा मैं रेक्टेंगल बना सकता हूं विथ मैक्सिमम विड्थ यहां से इस करंट सेल पे, ठीक है। और यही काम मैं हर सेल पर जाके चेक करूंगा, ठीक है। मैं मान लीजिए इस करंट सेल पे आया, यहां से देखा कि मैं कितने विड्थ का रेक्टेंगल बना सकता हूं, मतलब मैक्सिमम विड्थ मेरे को बनाना है, ठीक है। तो इतने विड्थ का मैंने मान लीजिए रेक्टेंगल पॉसिबल बन सकता है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं चेक कर लूंगा कि जो ये रेक्टेंगल मेरे पास है, मान लीजिए मेरे पास रेक्टेंगल है आर और इसके रो है और ये कॉलम है, ठीक है। अब मैं चेक कर लूंगा कि ये जो मेरा रो है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू इसके इस वाले की स्टैम्प के रो से ज्यादा होना चाहिए, और इसका जो कॉलम है ये भी मतलब ज्यादा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि मेरे पास जो पेपर की साइज है वो थोड़ी छोटी रहे इसके कंपेयर, मतलब कि ये आराम से इसमें फिट हो जाए, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि हमें क्या करना है, मैं हर एक सेल पर जाऊंगा, वहां से मैक्सिमम रेक्टेंगल बनाने की कोशिश करूंगा, अब मैक्सिमम विड्थ, ठीक है। अब देखिए, अब जैसे मुझे यही रेक्टेंगल बनाना था, तो इसको मैं कैसे बना सकता हूं, ठीक है। अब इस थोड़ा अप्रोच पर आते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इसी सेल पे हूं, ठीक है, और मेरे को मैक्सिमम रेक्टेंगल बनाना है, ठीक है, सॉरी रेक्टेंगल बनाना है अब मैक्सिमम विड्थ। तो मैं इस वाले पे हूं, तो यहां से मैं देख लिया कि मैं इसके ऊपर कितने जीरोस वाले हैं, मतलब कितने ऊपर मिल सकते हैं ब्लैंक कंटिन्यूअस, ठीक है, और नीचे देख लिया, ठीक है। तो अभी मैं यहां पे था तो मुझे ऊपर कितने मिल गए, 3, नीचे कितने मिल गए, 6, 3 3 6 हो गए, और एक यहां से, मतलब यहां पे अगर मैं था तो इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी थी, 7 थी, ठीक है। अब मैं यहां पर आया तो मैं देख लिया ऊपर कितने खाली हैं, 2, ठीक है, नीचे कितने खाली हैं, 1, तो मैक्सिमम कितना बन सकता है हाइट, 3 हो सकता है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा कि इस वाले के यहां से तो हाइट 7 पॉसिबल था, लेकिन यहां से हाइट केवल मेरे को कितना मिल पाएगा, 3, तो मैं मिनिमम देते जाऊंगा कि अब मतलब कि मेरे को हाइट निकालना है कि मतलब मैं कितना हाइट का बना सकता हूं, ठीक है। तो मैं जैसे जैसे इधर मूव करूंगा मैं हाइट का मिनिमम लेते जाऊंगा, ठीक। अब जैसे मैं इस वाली पे हाइट यहाँ पे आया, ठीक है, अभी कितना हो गया मेरे पास कि पहले 7 था फिर 3 था, तो मतलब मिलाकर मैं अभी तक 3 ही हाइट का रेक्टेंगल बना सकता हूँ, ठीक है। अब उसके बाद मैं यहाँ पे आया तो यहां से मेरे को ऊपर कितने हाइट में जा सकता हूँ, ठीक है, कितने ऊपर हाइट तक, कितने नीचे हाइट तक, मतलब मेरे को ये देना कितना ब्लैंक है, ठीक है। तो यहां से कितने हैं, 2,
अभी इससे पहले कितना था, 3। तो अगर मेरे को रेक्टेंगल बनाना हुआ तो 5-2 ही बन पाएगा, ठीक है, मतलब क्योंकि मेरे को क्या करना है, मेरे को विड्थ मैक्सिमम कवर करना है, ठीक है। तो अगर हम देखें इसकी बात करिए, क्रॉस है, ठीक है, तो अब यहां पे मेरे को क्या मिल गया, अब मैं ये निकालूंगा कितना हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा 3, मतलब कि इसकी विड्थ हो जाएगी 3 और हाइट हो जाएगी 2। अब मैं चेक कर लूंगा कि इसकी साइज और अब मेरे पेपर की साइज, अगर ये मेरे पेपर की साइज छोटी है तो आराम से मैं उतने सेल को कवर कर लूंगा, नहीं तो मैं नहीं कवर कर पाऊं। आई होप कि आपको अप्रोच क्लियर हो रहा होगा, ठीक है, मतलब मैं हर एक सेल पे जाऊंगा, वहां से ऊपर जाऊंगा, नीचे देखूंगा कितना हाइट है वो कैलकुलेट कर लूंगा और राइट साइड में मूव करते जाऊंगा और मिनिमम लेते जाऊंगा, और फिर जो भी मेरे पास एक रेक्टेंगल बन के आएगा उसका डायमेंशन चेक कर लूंगा कि इसका डायमेंशन मेरे स्टैंड के डायमेंशन से ज्यादा है कि नहीं। अगर ज्यादा है तो ठीक है, मतलब अगर कहीं भी ऐसा केस फेल होता है तो मैं रिटर्न कर दूंगा फॉल्स, नहीं तो लास्ट में रिटर्न कर दूंगा ट्रू, ठीक है। तो अब थोड़ा सा कोडिंग पार्ट पे आते हैं, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा अपन लोग को। तो मैंने बोला था कि हर एक सेल के पास जाऊंगा जहां पे ब्लैंक है वहां से मैं कोशिश करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मान लीजिए मैंने लगा दिया लूप इंट ऑफ आई इक्वल टू 0 और आई शुड बी लेस देन आर आई प्लस प्लस, ठीक। सिमिलरली एक और लूप लगाऊंगा इंट ऑफ जे इक्वल टू 0 द वैल्यू ऑफ जे शुड बी लेस देन कॉलम, ठीक है, जे प्लस प्लस, ठीक। ये मेरा दोनों लूप बन के तैयार हो गया। अब मान लीजिए मैं ए ऑफ आई कामा जे लेता हूं तो इसका मतलब कि मैं करंट ग्रिड पे हूं, ठीक है। तो मुझे कब चेक करना है, मैं देख लिया कि मैं इस वाले ग्रिड पे हूं, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा इस वाले ग्रिड से हाइट देखूंगा कि कितना हाइट ऊपर है, ठीक है, और ये मुझे किधर जाना है, इधर जाना राइट साइड, ठीक है, इस करंट से, मान लीजिए मैं इस करंट से पे हूं, ठीक है, तो अब मेरे को कहां तक जाना है, राइट साइड तक। तो मैं एक और लूप लगाऊंगा, ठीक है, फॉर इंट ऑफ, ठीक है, के इक्वल टू जे और इसकी वैल्यू कहां से कहां तक वैरी करेगी, कॉलम तक, ठीक है, के प्लस प्लस, ठीक है, ये हो गया, ठीक। अब क्या होगा कि मान लीजिए कि मैं इस वाले से पे हूं, ठीक है, अब यहां से मैंने देखा कि ऊपर अब की हाइट कितनी हो सकती है, ठीक है, फिर मैंने निकाला इस करंट सेल के नीचे की हाइट कितनी हो सकती है, डाउन, ठीक। अब मैं इसको समेशन करके मान लीजिए कितना निकल गया, अप प्लस डाउन, ठीक है, अप प्लस डाउन माइनस वन आ गया, एग्जैक्ट निकल गया क्योंकि ये वाला सेल काउंट हो जाएगा 2 बार, ठीक है, मान लीजिए आपका हाइट कुछ आ गया, ठीक है। सिमिलरली अब क्या होगा, इसको भी मैं ट्रैक करते हुए जाऊंगा, ठीक है, तो क्या हुआ, अगर देखा ये ठीक है ब्लैंक है तो लूप फिर आगे मेरा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा कि मैं इधर मूव करते जाऊंगा, ये वाला जो बताएगा कि मैं इधर मूव करते जा रहा हूं और जो हाइट है उसका मैं मिनिमम लेते जा रहा हूं, ठीक है, मिनिमम लेते जाऊंगा। अब क्या होगा जब ये मैं कहां तक जाऊंगा, जहां तक मतलब ब्लैंक इसको मिलेगा, ठीक, वहां तक हम लोग पहुंच जाएंगे, ठीक। अब क्या होगा, नीचे क्या होगा, मेरे पास एक मैक्सिमम, एक जितने भी बड़ा मैं बना सकता हूं रेक्टेंगल उसकी आ जाएगी डायमेंशन, क्योंकि ये हाइट तो मुझे पता हो जाएगा, अप और डाउन मैंने निकाल लिया, ठीक है, अप प्लस डाउन से मेरे को वो मिल गया, और ये जो मूव कर रहा है राइट साइड यहाँ पे करंट सेल से, जैसे मान लीजिए जहां मूव नहीं किया होगा वहां पे के की वैल्यू होगी, ठीक है, के माइनस, ये अभी इसमें करंट पे कहा था, जेड कॉलम में था, ठीक है, जेड कॉलम में था, तो इससे क्या होगी मेरी विड्थ निकल गई, इससे क्या होगी मेरी हाइट निकल गई, ठीक, विड्थ हाइट मुझे पता चल गया। अब मैं ये चेक कर लिया कि क्या विड्थ और हाइट ये मेरा बड़ा है क्या, ठीक, अगर ये बड़ा होगा तो ठीक है ये कंटिन्यू करेगा, ठीक है, बड़ा होगा किसके, स्टैम्प के साइज से, ठीक है, स्टैम्प के साइज से जो भी है, अगर ये बड़ा होगा कंडीशन ट्रू होगी फिर ये ऊपर जाएगा, फिर मैं अगले सेल पर आऊंगा चेक करने, ठीक है। और जैसे ही ये फेल होगा यही से हमें रिटर्न कर देना है फॉल्स, क्योंकि यहां पर नहीं सेट हो पाएगा, ठीक है। इसमें बस हमें एक और कंडीशन ध्यान देना है, एक हमारे पास एक बुलियन टाइप का हम 2D मैट्रिक्स ही बनाएंगे जिसको हम बोलेंगे कि ट्रैक करते हुए चलेंगे कि जो जो हम लोग रो पे हमने जहां जिस वाले रो पर्टिकुलर सेल से हमने इसको चेक कर लिया उसको मैं ट्रू करते हुए जाऊंगा, ठीक। इसको थोड़ा सा एक और केस समझ लेते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये था, ठीक है, 3x3 का मैट्रिक्स था और हमारे पास कितना था 2x2 का, ठीक है, तो अभी जैसे हम इस वाले सेल पे थे, ठीक है, इस वाले सेल पर थे तो, और मान लीजिए ये हमारे पास एक कटा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे वन है, अगर हम इस वाले सेल पे थे तो हम कैलकुलेट करेंगे तो हाँ बहुत इजी से फील कर पाएंगे, ठीक है। अब ये ध्यान दीजिए, जैसे फिर अब हमने कहा कि मैं इस सेल से कर लिया हूं, ठीक है, मैं इस सेल पे चेक कर लिया हूं कि कितना मैक्सिमम वेट तक बना सकते हैं, ठीक। अब इस सेल पे मैं आऊंगा
तो कितना हमारा विड्थ का बन सकता है, इधर तो जा ही नहीं सकता, विड्थ इसकी कितनी हो जाएगी 1, लेकिन हाइट हमको मिल जाएगा 2, इसके डायमेंशन क्या हो जाएगा 2:1, लेकिन हमारे पास पेपर के पास साइज क्या है 2:2, तो यहाँ पे हमें लगेगा कि ये नहीं पॉसिबल है, जबकि ये पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि हमें यही ध्यान देना है कि हम मार्क करते चलेंगे, जैसे कि इस वाले पेपर था हमने, ठीक है, इसको हमें कवर करना था, तो यहां से जब हम जितनी भी राइट साइड में मूव करूंगा तो इसको मैं मार्क करते चलूंगा, जितना भी हॉरिजॉन्टली मूव करूंगा उसको भी मार्क करते हुए चलूंगा, विजिटेड दिस पर्टिकुलर आई कामा जे, मतलब कि इसको हम कर देंगे ट्रू, मतलब कि यहाँ पे हमने विजिट कर लिया, तो अब हमको इसको दोबारा से यहाँ पे चेक नहीं करना, क्योंकि मैं यहीं से तो मूव कर रहा हूं, अगर मैं पेपर इस पे चिपकाऊंगा तो ऑब्वियस बात है उसके जो बगल वाला उस पर भी पेपर चिपक जाएगा, ठीक है। तो मतलब हमें एक बात यही ध्यान देना है कि जब भी मैं जहां से स्टार्ट करूंगा मूव करना राइट साइड, तो मैं जितना भी राइट मूव किया मेरे को उसको मार्क करते चलना है विजिटेड करके, क्योंकि यहां से हमने कर लिया, अब मेरे को दोबारा इस वाले पर्टिकुलर सेल से मुझे ये कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, ठीक। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, इसका जो कमेंट है कोडिंग पार्ट है कमेंट सेक्शन में मेंशन है, आई होप अगर आपने थोड़ा सा समझ लिया है, आप कोडिंग पार्ट देखेंगे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आता प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, मैं फिर से दोबारा और अच्छे से थोड़ा वीडियो बनाऊंगा, थोड़ा सा वीडियो लेंदी हो जाएगा पर, लेकिन मैं दोबारा बनाऊंगा।